सबसे पहले आपको पानी को बॉईल कर ले, हो जाए तो उसमें मैगी डाल देना है। मैगी को डालने के बाद कुछ समय के लिए वेट कर लेना है जब वो बॉईल हो जाए। जब तक पानी पसे तब तक आपको मसाला वसाला तैयार कर लेना है, प्याज और काट के। प्याज अभी हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम पसा देते हैं। पसाने के बाद इस तरह से होगा, इस ठंडा पानी से उसको एक बार धो देना है। खैर इस तरह से वो तैयार हो जाएगा मैगी। उसके बाद हमको पहले मसाला भूनना है। मसाला भूनने के लिए सबसे पहले तेल देंगे। ये सटा हुआ मैगी को हटाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं जो कि मैगी सट जाता है। और हल्दी, जीरा, मैगी मसाला और ये मीट मसाला और कच्चा मिर्च, ये सब तैयार रखना है। उसके बाद तेल देना है, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। उसके बाद कुछ देर वेट वेट करना है। उसके बाद आपको देना है मिर्च, उसके बाद जीरा। उसका प्याज, भून देना है, मतलब घोल देना है। घुला जाएगा थोड़ा, रेड टाइप में वो हो जाएगा। नमक स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद नमक दे देना है। जैसा आप नमक खाते हैं, थोड़ा तेज़ खाते हैं थोड़ा ज़्यादा, और मीडियम खाते हैं तो मीडियम में देना है। जब प्याज झोला जाए थोड़ा सा वेट करना है, तब तक जो मैगी फटा हुआ उसको सही कर लेना है। जो सटा हुआ रहता है मैगी उसको सही कर लेना है। देख सकते हैं प्याज लगभग झुला चुका है। अब इसमें मैगी देंगे। मैगी जो मैगी था इसमें सारा दे देना है। मसाला अभी तक कुछ नहीं दिए हैं, बस प्याज जीरा ही दिए हैं और मिर्च। अच्छे से थोड़ा तेल में भिगो देना है, इसको चलाते रहना इस तरह से जब थोड़ा फ्राई हो जाए ये। उसके बाद आपको मसाला देना है।
चलाते रहना। अब हल्दी दे चुके हैं, उसके अलावा मीट मसाला और मैगी मसाला दोनों दिए हैं, उसको चलाते रहना है। ध्यान रखिएगा जो कि ये सटे ना, उसको चलाते रहना है। अभी कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं मैगी हमारा बनके तैयार है। थोड़ा और लगाएंगे तो टेस्ट थोड़ा और अच्छा आएगा, इसलिए थोड़ा और इसमें लगाते हैं और वेट कर लेते हैं। कलर देखिए अच्छा है लोग, स्वाद ऐसा मन चाहे जैसा, इस तरह का ये मैगी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं रंग, उस समय इसको आग पे रखने के बाद। धन्यवाद।